हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सपना झा एंड यू ऑल आर वाचिंग सिप्पी द ऑलराउंडर। स्वेयर ऑन गॉड, लाइक मैं ये बोलती हूँ ना तो मुझे लगता है कि आई एम पर्सनली टॉकिंग टू यू ऑल। एंड ऑल्सो मैं कुछ बीच में कुछ गैप आ गया, मैंने ऐसे फेस टू फेस कोई वीडियो शूट करके अपलोड नहीं किया है। रीजन वॉज माई सिस्टर, नीस, नेफ्यू, माई ब्रदर इन लॉ, दे ऑल केम एट माई होम एंड यू अंडरस्टैंड ना कि आप ऑफकोर्स जॉब करते हो एंड देन यू कम बैक एंड यू हैव योर नीस नेफ्यूज अराउंड, यू कैन नॉट जस्ट टेक द कैमरा एंड शूट द वीडियोज, यू डोंट हैव दैट टाइम। खैर, तो फाइनली आई एम बैक एंड आई विल बी पोस्टिंग सच वीडियोज फ्रीक्वेंटली नाउ। सो बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो ना, लेट मी टेल यू वन फनी इंसिडेंट। तो मैं मम्मी के साथ बैठी थी एंड शी कीप्स टेलिंग मी एवरी टाइम दैट ये क्या वीडियो बना रहे हो, कोई देखेगा भी फैशन से रिलेटेड, वाई डोंट यू अपलोड कुकिंग वीडियोज एंड ऑल। And I completely understand, जिसका जिसमें इंटरेस्ट होता है वो चाहता है कि यू नो आप उसी तरीके के वीडियोज बनाओ। लाइक सो मेनी मेल फ्रेंड ऑफ माइंड, दे आर लाइक कि तू यार तू बस यही बताती है मेकअप कैसे करे, फैशन कैसे करे, कुछ लड़कों के लिए लेकर आ। सो यार बट मैं नहीं कर सकती। सो आई एम इंटरेस्टेड इन दिस फैशन एंड ऑल एंड गर्ल्स रिलेटेड थिंग्स, तो मैं बॉयज के बारे में क्या बताऊँ, मुझे मतलब बताओ मुझे क्या बताना है। ठीक है, फाइन, लेट्स कम टू द पॉइंट। तो मैं ऐसे मम्मी के साथ बैठी थी तो वो ना बहुत सडन मुझसे क्वेश्चन करती है, ओके सपना ये बता तेरे कुछ मिलियन विलियन फॉलोवर्स भी हुए या नहीं। एंड आई वाज लाइक एक सेकेंड, क्या बोला? आई लिटरली थॉट कि वो एक दो नहीं होता कि एक दो भी फॉलोवर्स हुए नहीं, वो हुए इस तरीके से उन्होंने मिलियन बोल दिया होगा मिस्टेकिनली। सो आई आस्क्ड व्हाट डिड यू से, शी वाज लाइक मिलियन फॉलोवर्स हुए या नहीं हुए। इसको कहते हैं तो मिलियन, आई डोंट नो कि मुझे कितने जन्म लेने पड़ेंगे उस मिलियन फॉलोवर्स के लिए। एंड मैं क्या बताऊँ अपनी मम्मी को कि मेरे चैनल की ग्रोथ ना एक कछुए की चाल से भी धीमी है, समझ रहे हो आप? मतलब कि कछुआ कितनी धीमी चाल में चलता है, मेरे चैनल की ग्रोथ ना उससे भी कम है। बट नो वरीज, हु नोज, लेट्स कम टू द पॉइंट नाउ। यार दिल्ली में ना आई स्वेयर ऑन गॉड इट्स फ्रीकिंग हॉट, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है ना दिल्ली में अभी, ऑल द दिल्ली पीपल कैन अंडरस्टैंड। यार हम लोग तो हर सीजन हो वेदर हो सब में परेशान होते हैं। एंड ऑल्सो जब ये समर चल रहा है, इतनी गर्मी हो रही है तो क्या पहने, ये तो रोज का रोना हो चुका है ऑलमोस्ट फॉर द वर्किंग पीपल इन द कॉलेज एंड स्कूल गोइंग। स्कूल के तो यूनिफॉर्म्स होते हैं, खैर कॉलेज एंड ऑफिस गोइंग हम लोगों का रोज का होना हो गया है कि यार क्या ही पहने इतनी गर्मी में, दिस स्किनी जीन्स दैट इज नॉट कम्फर्टेबल, टाइट टी शर्ट्स एंड इट इज नॉट कम्फर्टेबल। तो मैंने सोचा जिसमें मैं कम्फर्टेबल बहुत फील करती हूँ दैट्स प्लाजो। एंड आई गेस ऑल द फीमेल्स कैन अंडरस्टैंड कि जो प्लाजो ना धोती टाइप होता है तो सो कम्फर्टेबल। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं प्लाजो, एक प्लाजो को अलग अलग तरीकों से स्टाइल करूं एंड आप सभी के साथ शेयर करूं, ताकि हम उसी बोरिंग तरीके से ना पहनते हुए हम इसको कुछ स्टाइलिश, क्रिएटिव एंड बहुत ही अच्छा सा लुक दे सकते हैं। एंड स्पेशली गर्मी में भी आप हॉट एंड सेक्सी लग सकते हो बाय वेयरिंग इन अ डिफरेंट स्टाइल ऑफ सिंपल प्लाजो। तो मैं सिर्फ एक प्लाजो लूंगी, उसको मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं कैसे स्टाइल कर रही हूँ। एंड अगेन, if you try any of the looks, do not forget to send your picture or your video on my Instagram just like this one. Okay, so without further ado, let's start today's video. Okay, so this is the first look. Isme maine printed plazo liya hai and the same plazo I'm going to use throughout the video for 5 different looks. इस वाले लुक के लिए आई हैव टेकन माई ब्रदर्स लूज टी शर्ट एंड मैंने कुछ इस तरीके से यू नो अंदर फिट करके उसको वेयर किया है। टू कम्प्लीट दिस लुक मैंने एक नॉर्मल सा बनाया है सेंटर पार्ट करके। यू कैन सी सम फैंसी ज्वेलरी आप वेयर कर सकते हो, अगर आपको नेक में डालना है यू कैन गो हेड विद दैट, एक पर्स एंड यू आर गुड टू गो फॉर एनी ऑफिशियल मीटिंग और इवन कॉलेज क्लासेस अटेंड करनी है। नाउ आई एम वेयरिंग वन हील एंड इसको आप चाहो तो एक व्हाइट शूज के साथ भी पेयर अप कर सकते हो। This look is going to be one of my favorites. Can you see how decent this is looking and yet so much fashionable? And yes, so this is how I completed my first. Okay, let's move ahead with the look number 2, which is this. Oh my God, कितनी cute लग रही हूँ ना मैं, मतलब कभी कभी मैं खुद की तारीफ करती हूँ and तारीफ करूँ भी क्यों ना, because I am wearing the same printed plazo in this completely different way. इसके ऊपर मैंने अपना एक ब्लैक कलर का टॉप लिया है एंड आई एम जस्ट पेयरिंग इट अप विद वन मल्टी कलर दुपट्टा, मांग टीका
एंड समथिंग विच इज कम्प्लीटिंग दिस लुक एंड एडिंग द चेरी ऑन द केक दैट इज द हैंड बैग. इस लुक को ना आप प्लीज बताना कि 10 में से कितने देने वाले हो. आई एम गिविंग 10 out of 10. सो आप यू नो अगर ब्लैक टॉप नहीं है कम्प्लीटली फाइन, यू कैन टेक एनी व्हाइट और मे बी एनी कलर, डिपेंड्स ऑन द प्लाजोज कलर. एंड क्या हीरोइन से कम नहीं लग रही बाय गॉड. सो प्लीज लेट मी नो कि आपको कौन सा लुक सबसे अच्छा लगा है. दिस इज परफेक्ट लुक फॉर एनी काइंड ऑफ फैमिली फंक्शन, छोटे मोटे फंक्शन में तो हम कर ही सकते हैं इतना यार. ओके सो लुक नंबर 3 के लिए प्लीज एक बार ना बैकग्राउंड में सीटी बजा दो. ओए होए होए होए, दिस इज लुक नंबर 3. मतलब कैन यू थिंक दिस सेम प्रिंटेड प्लेन प्लाजो को मैंने इस तरीके से स्टाइल किया है. दिस इज कम्प्लीटिंग द इंडो वेस्टर्न स्टेटमेंट विच इज कैन यू सी वन साइडेड साड़ी एंड वन साइडेड इट्स प्लाजो इज विजिबल. मैंने इस कम्प्लीट लुक को कम्प्लीट किया है विद द चोली ऑफ माई लहंगा विच आई एम वेयरिंग एज अ ब्लाउज और यू कैन से अ क्रॉप टॉप. एंड ऑल्सो मैंने एक बहुत क्यूट बैग हैंड बैग वेयर किया है, सम हैवी इयर रिंग्स एंड द सन ग्लासेस. एंड यहाँ लल्लन टॉप सपना रेडी हो चुकी है एकदम भैया. कोई भी फैमिली फंक्शन है मैं अटेंड कर सकती हूँ, दो चार आंटियां घूरेंगी बट दैट्स फाइन यार. फैशन यही तो है, जब तक कुछ लोग घूरे नहीं ना तब तक आपका स्टाइल यूनिक नहीं है. सो या दिस इज लुक नंबर 3. ओके सो लुक नंबर 4 इज फॉर द पीपल जिनको ताम झाम मेकअप ज्वेलरी हेयर स्टाइल कुछ करना पसंद नहीं है या कभी कभार हमारा भी मन नहीं होता यार. हमारा मन करता है हम ना बिल्कुल ही सिंपल रहे, फ्री हैंडेड रहे ताकि मस्ती कर सके. सो दिस लुक इज फॉर यू. बस जस्ट टेक अ प्लेन व्हाइट लूज शर्ट ही लेना ताकि वो अच्छा लुक निकल कर आता है. योर हेडफोन, योर वॉच, अगर क्लिप लगानी है तो, एंड यस यू आर गुड टू गो. आप कॉलेज जा सकते हो इस वाले लुक में बिल्कुल ही फ्री हैंडेड, मेट्रो में मस्ती करो. एंड दैट इज अगर आप चाहते हो शर्ट को इस तरीके से बाहर यू नो करना, इस तरीके से स्टाइल करना, इट लुक्स गुड. अगर आप चाहते हो उसको इस तरीके से कुछ एक साइड से अंदर करके एंड एक साइड से बाहर रखना, दिस लुक्स वेरी स्टाइलिश. अगर ये नहीं तो नो वरी, दोनों साइड से इसको अंदर फिट कर दो एंड पीछे से उसको बाहर रहने दो. दिस लुक्स ऑल्सो स्टाइलिश जैसे कि आप देख सकते हो. ओके लेट्स मूव अहेड विद द लास्ट बट नॉट द लीस्ट लुक जो कि है ये माय ऑल टाइम फेवरेट लुक. एक प्लेन कुर्ता प्लाजो के ऊपर, नीचे हील्स या फिर जूती, वॉच, ज्वेलरी, बिंदी के बिना ये लुक इनकम्प्लीट होने वाला है. एंड अगर आपके पास कुछ इस तरीके का हैंड बैग है ना, सो प्लीज टेक इट बिकॉज ये हैंड बैग इज गोइंग टू एड चेरी ऑन द केक. एंड हियर आई एम ऑल सेट. बहुत कंफर्टेबल लुक है. कुर्ती लूज है तो गर्मी में ना टेंशन लेनी ही नहीं है, ठीक है. सो या प्लीज डू लेट मी नो कि आपको कौन सा लुक सबसे अच्छा लगा है. आई एम लविंग ऑल द 5 लुक्स. बहुत मजा आया इसको वीडियो को रेडी करने में. ओके सो दैट इज इट फॉर टुडे. यार देखो मैंने ना इतनी गर्मी में आप सभी के लिए वीडियो शूट की है. सो मेक श्योर दैट यू लाइक सब्सक्राइब हिट द बेल आइकन एंड ऑल्सो शेयर माई वीडियो. बाय बाय, आज के लिए इतना ही. आई विल मीट यू वेरी सून. टाटा, टेक केयर.